74,425 रुपये की शुरुआती कीमत में कितना पैसा वसूल है टीवीएस जुपिटर 125? देखिए रिव्यू। टीवीएस जुपिटर 125, टीवीएस जुपिटर 125 आपके बजट में कैसा रहेगा ये आज हम आपको इसके रिव्यू में बताने जा रहे हैं। टीवीएस जुपिटर कंपनी का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है, लेकिन ये अब तक 110 सीसी सेगमेंट में आता था। ऐसे में सवाल ये था कि जब पूरा बाजार तेजी से 125 सीसी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो टीवीएस जुपिटर कहाँ है। फाइनली अब इस सवाल का जवाब टीवीएस मोटर कंपनी ने दे दिया है। कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में अपने टीवीएस जुपिटर 125, टीवीएस जुपिटर 125 को लॉन्च किया, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये बदलाव आपके बजट में कितना फिट बैठते हैं ये आज हम आपको अपने रिव्यू में बताने जा रहे हैं। तो डालते हैं एक नज़र टीवीएस जुपिटर 125 के रिव्यू को हिंदी में, आप यहां जानिए पूरी बात। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करें तो इसके रियर व्यू मिरर और फ्रंट पैनल के दोनों तरफ क्रोम दिए गए हैं। सामने से देखने में यह आपको काफी हद तक होंडा एक्टिवा 125, होंडा एक्टिवा 125 जैसा ही लगेगा। सामने ऊपर की ओर फाइबर की बॉडी दी गई है, जबकि नीचे की ओर मेटल दिया गया है। पीछे की ओर कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इसके रियर लैंप और टर्न इंडिकेटर्स में लेड की जगह बल्ब लाइट दी गई है, यानी कंपनी ने सेफ्टी और कॉस्ट कटिंग का अच्छा खासा ध्यान दिया है। जो इंपैक्ट वाले हिस्से हैं वहां मेटल बॉडी दी थी, बाकी सभी जगहों पर प्लास्टिक बॉडी दिया है। इसके अलावा एलईडी की जगह बल्ब लाइट देकर बचत की है। नए इंजन से कितना बदल गई टीवीएस जुपिटर 125? टीवीएस जुपिटर 125 में नया 124.8 सीसी की सिंगल सिलेंडर, दो वाल्व, चार स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। ये इंजन आपको कंपनी के 125 सीसी सेगमेंट वाले किसी भी टू व्हीलर में नहीं मिलता है। इसका इंजन 6500 आरपीएम पर 8.04 भप की मैक्सिमम पावर और 4500 आरपीएम पर 10.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसका इंजन सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। सेगमेंट की सबसे लंबी सीट और बड़ा बूट स्पेस, टीवीएस जुपिटर 125 में सेगमेंट की सबसे लंबी सीट दी गई है, जहां दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इसके बावजूद इसमें आपको काफी स्पेस मिल रहा है। इसके अलावा इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पेट्रोल टैंक और फ्यूल कैप में क्या है खास? टीवीएस जुपिटर 125 में किए गए बड़े बदलाव की बात करें तो अब पीछे के बजाय आपको इसके फ्रंट में पैरों के नीचे पेट्रोल टैंक मिलेगा। कंपनी का कहना है कि यह काफी सेफ है। अगर नीचे के पैनल पर किसी चीज से टक्कर भी लगती है तो इसमें कोई हादसा नहीं होगा। ये दावा कई मायनों में सही भी लगता है। इसके अलावा अब इसमें फ्रंट की ओर फ्यूल फिलर कैप मिलता है, जो स्कूटर की चाबी से सामने की तरफ ही खुल जाता है, यानी अब आपको पेट्रोल भराने के लिए सीट को खोलना नहीं पड़ेगा। सामने की ओर दिए गए फ्यूल कैप को ओपन करके आप बिना किसी परेशानी के पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये बहुत हद तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की तरह है, जहां चार्जिंग के लिए आपको सामने की ओर चार्जिंग पोर्ट मिलता है। राइड करते समय करें स्मार्टफोन को चार्ज। टीवीएस जुपिटर 125 में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से आप ड्राइव करते समय भी इसे चार्ज कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट के ठीक नीचे आपको 2 लीटर का ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप पानी की बोतल या फिर स्मार्टफोन को आसानी से कैरी कर सकते हैं। इंटेलिगो तकनीक से मिलेगा ज्यादा माइलेज। टीवीएस जुपिटर में बेहतर फ्यूल इफिशियंसी के लिए इंटेलिगो तकनीक दी गई है। इस फीचर को आसान भाषा में समझें तो जब ये स्कूटर ट्रैफिक लाइट या किसी दूसरी जगह पर कुछ देर तक रुका रहेगा तो इसका इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। वहीं जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे इंजन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि इस तकनीक से पहले के मुकाबले 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। वहीं इंजन की उम्र भी बढ़ेगी। टीवीएस जुपिटर 125 की कीमतें। टीवीएस जुपिटर 125 के ड्रम वेरिएंट की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 74,425 रुपये है। वहीं इसके ड्रम अलॉय वेरिएंट की कीमत 76,800 रुपये है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।